Hi everyone, how are you all? This is me, Khan Rizwani. So before I start my video, somebody who is new to my channel, please subscribe my channel and hit the bell icon over there. So today we are gonna discussing about the skullar and kyma. हमने अपने last video में student study किया है colon kyma and parenchyma. So basically skullar and kyma last simple permanent tissue बच गया है हमारे syllabus में. So let's start the video. See, skullar and kyma एक Greek word से derive हुआ है sclerus से skullar and ड्राइव हुआ स्ट्रेंथ, जिसका मतलब ही होता है हार्डर. अब देखो इसका मतलब होता है हार्डर, मतलब ये एक हार्ड टिश्यू है. और कोई भी टिश्यू या कोई भी सेल हार्ड कब बनता है स्टूडेंट? प्लांट में, जब प्लांट का सेल वॉल बहुत ज़्यादा थिक होता है, मतलब उसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा है. और हमने तो अपने लास्ट वीडियो में ये स्टडी कर रखा है स्टूडेंट कि प्लांट के सेल वॉल जितने ज़्यादा पतले होंगे, जितने ज़्यादा थिन होंगे, मतलब वो उतने अलाइव है, तो उनके पास वेरियस फंक्शन होगा, करेक्ट. लेकिन स्कलर एंड कैमा के साथ सीन बिल्कुल अपोजिट है. इनके सेल वॉल बहुत ज़्यादा थिक हैं स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा चौड़ा सेल वॉल है. तो इसका मतलब है कि सेल वॉल जितने ज़्यादा थिक, मतलब प्लांट उतना डेड है ना. सेल वॉल जितने ज़्यादा थिन, मतलब पतला, मतलब प्लांट के जो टिश्यू है या प्लांट के जो सेल हैं वो उतने अलाइव हैं. तो स्कलर एंड कैमा के सेल वॉल थिक है, मतलब ये डेड है. तो ये कम्प्लीटली एक डेड सेल है स्कलर एंड कैमा, ठीक है. अब डेड सेल का देखो भाई साहब, एक ही फंक्शन होता है, ज़्यादा कुछ फंक्शन होता नहीं है इनके पास, कि ये प्रोटेक्ट करेंगे, मैकेनिकल सपोर्ट देंगे, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देंगे प्लांट को, बस इसके ज़्यादा और कोई खास फंक्शन होते नहीं है. तो इसलिए हम इसे प्रोटेक्टर टिश्यू कहते हैं, है ना. अब देख लो, डिफाइंस द टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू विच इज इनिशियली रिमेन्स अ लिविंग सेल बट बिकम्स डेड ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी वॉल रिजल्टिंग फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ लिग्निफिकेशन दैट इज एक्यूमुलेशन ऑफ लिग्निन दैट मेक्स द सेल हार्डर. देखो ये ऐसा थोड़ी ना है कि ये इनका ओरिजिन ही डेड है, मतलब ये पैदा ही डेड हुई, ऐसा नहीं है. ये इनिशियल स्टेज पर, स्टार्टिंग स्टेज पर ये लिविंग होते हैं, क्योंकि सिंपल परमानेंट टिश्यू एक लिविंग सेल है ना. कॉलन खाइमा पेरन खाइमा हमने स्टडी किया है. लेकिन होता क्या है स्टूडेंट कि ये इनिशियल स्टेज पे लिविंग होते हैं, अलाइव होते हैं, लेकिन उसके बाद ये डेड हो जाते हैं. डेड कैसे होते हैं कि जैसे ही इन पर सेकेंडरी वॉल का डेवलपमेंट हो जाता है स्टूडेंट, सेकेंडरी वॉल का डेवलपमेंट मतलब इनके सेल वॉल पे, ये जो सेल वॉल आप देख रहे हो, इनके सेल वॉल पे लिग्निन कि मोटी परत, मोटी लेयर आकर के लग जाती है, मतलब लिग्निन का डिपोजिशन होता है, मतलब एक्यूमुलेशन होता है ना. और इसी प्रोसेस को हम लिग्निफिकेशन कहते हैं, है ना. और ये लिग्निन के वजह से ही स्टूडेंट स्कलर एंड कैमा की टिश्यू इतनी हार्ड होती है, मतलब इनके सेल वॉल इतने थिक होते हैं. जैसे आपने देखा होगा कोकोनट तो आपने खा रखी होगी ना, नट्स, अखरोट, तो आपने उनकी कवरिंग देखी है, आउटर लेयर कितने हार्ड होते हैं कोकोनट के, तो वो स्कलर एंड कैमा टिश्यू से ही बने रहते हैं. तो आप खुद इमेजिन करो कि कितने हार्ड होते हैं स्कलर एंड कैमा टिश्यू. अब देखो ये डेड है तो इनके पास ऑफकोर्स कोई साइटोप्लाज्म नहीं होगा, कोई न्यूक्लियस भी नहीं होगा, कोई प्रोटोप्लास्ट नहीं होगा, ओके. तो ऐसे स्टूडेंट साइंस में ऐसे चीज़ें ड्राइव होती हैं, आपको कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है. देख लो ये स्कलर एंड कैमा टिश्यू, क्रॉस सेक्शन में आप देखोगे ऐसा देखेगा, ट्रांसवर्स सेक्शन में देखोगे तो आप ऐसा देखेगा. सी डेड सिंपल परमानेंट ग्रॉन टिश्यू क्या, आप सिलेबस में अपने इसी सिलेबस में स्टडी करोगे, इसी चैप्टर में, डोंट वरी मैं डिस्कस करूँगी. लेकिन आप इतना फिलहाल जान लो कि कॉलन खामा, फेरन खामा, स्कलर एंड कैमा ये सब कलेक्टिवली ग्रॉन टिश्यू कहते हैं. तो स्कलर एंड कैमा ऑफकोर्स एक डेड है, सिंपल परमानेंट टिश्यू की कैटेगरी है. सी सेल्स आर रिजिड एंड नॉन स्ट्रेचेबल. ऑफकोर्स भैया ये डेड सेल है, बहुत हार्ड है, तो ये कहाँ से नॉन स्ट्रेचेबल होगा, इतने रिजिड हैं ये, बहुत रिजिड है, बहुत टफ है. सी सेल्स हैव फ्यू पिट्स इन देयर वॉल्स. पिट्स मतलब डिप्रेशन इन सेल वॉल विच एक्ट एज अ चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर बिटवीन एडजेसेंट सेल. ये जो आपने सेल वॉल देख रखा है ना, ये सेल वॉल है, देख लो कॉलन कैमा का, दिस इज द सेल वॉल, दिस इज हाउ सेल वॉल लुक्स लाइक ऑफ कॉलन कैमा टिश्यू. ये इतने चौड़े होते हैं स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा थिकनिंग, और थिकनिंग क्यों, लिग्निन के वजह से आती है, ठीक है.
ये लिग्निन ही इन्हें स्टिफ बनाता है, टफ बनाता है, हार्ड बनाता है। तो इनके सेल वॉल पे ना कभी कभी बहुत ज्यादा नहीं, फ्यू न्यूमरस पिट्स होते हैं। अब ये पिट्स क्या है, पिट समझ लो कि एक डिप्रेशन है, खोखलापन समझ लो, एक खोखलापन है सेल वॉल के अंदर जो कि वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है एक सेल से दूसरे सेल की तरफ, वाटर जाती है इसी पिट से। सेल वॉल में छोटे छोटे न्यूमरस अमाउंट में, फ्यू अमाउंट में पिट्स प्रेजेंट हैं जो कि वाटर का ट्रांसपोर्ट करते हैं एक सेल से दूसरे सेल में। सी सेल्स आर यूजुअली डेड एट मैच्योरिटी, मैच्योरिटी में ये डेड हो जाते हैं, सो दे डू नॉट हैव न्यूक्लियस और प्रोटोप्लास्ट एंड साइटोप्लास्ट। तो देखो इनिशियल स्टेज पे तो ये भाई सब लिविंग थे, है ना, इनका ओरिजिन तो लिविंग था, ये पैदा तो लिविंग हुए थे, लेकिन जैसे ही इन पर, इनके सेल वॉल पे लिग्निन का डिपोजिशन होता है, लिग्निन सब्सटेंस ज़्यादा मात्रा में आ जाती है, तो वैसे मतलब सेकेंडरी वॉल का ओरिजिन हो गया, मतलब अब ये डेड हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि मैच्योरिटी में डेड हो गए। अब डेड है भाई साहब, तो देयर विल बी नो न्यूक्लियस, देयर विल बी नो साइटोप्लाज्म। ओके सी एक्सक्लूसिवली सपोर्टिव टिश्यू, ये बस सपोर्ट करेंगे, क्योंकि डेड टिश्यू का तो फंक्शन एक ही है, सपोर्ट करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे बस, इससे और कुछ खास फंक्शन होता नहीं है। सी इट इज़ द टिश्यू विच मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ, ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, ये स्केलेरेंट थाइमा टिश्यू के वजह से ही स्टूडेंट आप जो कोकोनट का कवरिंग देखते हो या वॉलनट का कवरिंग देखते हो, ये स्टिफनेस, ये हार्डनेस कौन प्रोवाइड करता है, ये स्केलेरेंट थाइमा प्रोवाइड करता है। सी दीज सेल्स फंक्शन एज अ स्केलेटन ऑफ द प्लांट सिस्टम दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स रिजिडिटी टू विदस्टैंड अगेंस्ट वेरियस इकोलॉजिकल स्ट्रेस। हाँ भाई साहब देखो, एनिमल्स में तो स्केलेटन सिस्टम है ना, प्लांट में कोई स्केलेटन सिस्टम नहीं है, लेकिन स्केलेरेन्काइमा एक स्केलेटन जैसा प्लांट सिस्टम में एक्ट करता है, बिल्कुल सिमिलर उसके ही तरह वो समझ लो उसका फंक्शन होगा। हमारे बॉडी में बोन्स प्रेजेंट है, करेक्ट, तो बोन्स कितने हार्ड होते हैं, है ना, एक फ्रेमवर्क बनाते हैं हमारे बॉडी का। तो सिमिलरली स्टूडेंट स्केलेरेन्काइमा भी यही करता है, ये बहुत हार्ड है, बहुत स्टिफ है। अब ये हार्ड है तो जो भी इन्वायरमेंटल स्ट्रेस होंगे स्टूडेंट, ये सारे को झेल सकते हैं, मतलब उसमें भी ये एडवर्स सिचुएशन में भी प्लांट सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे आप देखते हो ना हेवी विंड चलता है तो लीव्स क्या होते हैं, लीव्स में सी ये लीव्स है ना, इसे हम स्टाक कहते हैं, खुदन खैमा हमने स्टडी किया था, उसमें हमने क्या स्टडी किया था स्टूडेंट कि ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा कोलेनकाइमा। तो लीव्स क्या करते हैं, फटते नहीं है, बस ऐसे बेंड हो जाते हैं। कोलेनकाइमा क्या करता है स्टूडेंट कि इनके जो वेन्स हैं, ये जो आप देखते हो लीव्स में, ये जो निशान देखते हो ना, ये वेन्स, इसमें स्केलेरेन्काइमा प्रेजेंट होता है, तो इसके वजह से ये लीव्स फटेगा नहीं, उसको टफनेस रिजिडिटी प्रोवाइड करता है स्टूडेंट। सी सेल्स आर रिजिड एंड नॉन स्ट्रेचेबल इन नेचर। अब देखो ये हो गए डेड सेल, तो डेड सेल कहाँ पाए जाएंगे, इट इज़ यूजुअली फाउंड इन नॉन ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट बॉडीज सच एज बार्क और मैच्योर स्टेम, फ्रूट्स, लीव्स, लीव्स के वेन्स में, ये जो पिंक कलर का आप देख रहे हो ना ये वेन्स है, या सीड्स में। सी सेल्स आर लॉन्ग एंड नैरो, ये आप देख रहे हो ना सेल, इनके बहुत लंबे होते हैं, लॉन्ग होते हैं, नैरो होते हैं, मतलब बहुत पतले होते हैं, और कई बार तो इनके लिग्निफाइड थिक सेल वॉल जो देख रहे हो ना, ये इतने चौड़े होते हैं कि अंदर कोई स्पेस ही नहीं रहता इनके पास। तो आप खुद सोच लो स्टूडेंट कि जब इनकी चौड़ाई इतनी ज़्यादा है सेल वॉल की, तो इंटरसेलुलर स्पेस के लिए कोई जगह है, कोई जगह है ही नहीं। तो इससे ये साफ जाहिर होता है स्टूडेंट कि इंटरसेलुलर स्पेस भी स्केलेरेन्काइमा में कम्प्लीटली टोटली एबसेंट होंगे। सी इंटरसेलुलर स्पेस आर एबसेंट कॉन्स्टिट्यूट द हार्ड सेल्स ऑफ नट्स एंड द आउटर कोट ऑफ मेनी सीड्स। तो जो नट्स होते हैं या सीड्स होते हैं, सीड्स के जो आउटर कोट होते हैं ना, आउटर कवरिंग होते हैं ना, ये हार्ड क्यों होते हैं, उसमें स्केलेरेन्काइमा टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। सी प्रोवाइड ग्रिटनेस इन मेनी फ्रूट्स, ग्रिटनेस मतलब होता है हार्डनेस, स्टिफनेस, तो फ्रूट्स के जो आउटर कवरिंग होते हैं, लेयर होते हैं, वो हार्डनेस स्केलेरेन्काइमा ही प्रोवाइड करता है। इसलिए स्टूडेंट हम इसे कभी कभी स्टोन सेल भी कहते हैं, समटाइम्स नोन एज स्टोन सेल। सी
टू टाइप्स ऑफ स्क्लेरेन्काइमा. तो बेसिकली स्क्लेरेन्काइमा फोर टाइप्स के होते हैं, लेकिन आप क्लास 9 के सिलेबस में बस इतना जान लो, आपको टाइप्स के बारे में इतना डिटेल में पढ़ना भी नहीं है स्टूडेंट, बस अब इतना जान लो कि इनके टू टाइप्स होते हैं, स्क्लेरेट्स एंड फाइबर्स. देखो ये स्क्लेरेट्स के वजह से ही कोकोनट या सीड्स में या नट्स में हार्ड कवरिंग आती है. NCERT में ये एक्सरसाइज से क्वेश्चन में मेंशन है आपके सिलेबस में कि कौन सा ऐसा टिश्यू है जो फ्रूट्स को हार्डनेस टफनेस प्रोवाइड करता है. तो उसका आंसर होगा स्क्लेरेन्काइमा. स्क्लेरेन्काइमा के कौन से टाइप, तो उसका आंसर होगा स्टूडेंट स्क्लेरेट्स. तो इतना कुछ समझने के बाद, स्क्लेरेन्काइमा को जानने के बाद, हमने ये जाना स्टूडेंट कि स्क्लेरेन्काइमा का बस एक ही मात्र फंक्शन है कि भाई साहब ये बस प्रोटेक्ट करेंगे, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देंगे प्लांट को. ये डेड सेल है, इनके पास कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती, इनके सेल लॉन्ग होते हैं, नैरो होते हैं, इनके सेल बहुत रिजिड होते हैं. इनके रिजिड क्यों होते हैं, क्योंकि इनके सेल वॉल बहुत ज़्यादा थिक होते हैं. ज़्यादा थिक क्यों होते हैं, क्योंकि इनके सेल वॉल पे लिग्निन का डिपोजिशन होता है बहुत ज़्यादा. अब ये लिग्निन क्या है, अब क्लास 11th में पढ़ेंगे. अगर लिग्निन का डिपोजिशन नहीं होता मेरे लाल, तो स्क्लेरेन्काइमा इतना टफनेस प्रोवाइड नहीं कर पाता प्लांट को. हमने पेरेन्काइमा में क्या स्टडी किया था कि कोलेनकाइमा के सेल वॉल हेमी सेलुलोस सेलुलोस पेक्टिन के बने होते हैं ना, लेकिन स्क्लेरेन्काइमा तो और भी समझो कि चार कदम आगे ही निकल गया. ये तो और लिग्निन का बना, सबसे समझो कि लिग्निन एकदम सेल वॉल को बहुत ज़्यादा टफनेस प्रोवाइड करता है. आई होप यू एंजॉयड द वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग. गॉड ब्लेस यू ऑल. नेक्स्ट वीडियो में अब मैं डिस्कस करूँगी स्क्लेरेन्काइमा कोलेनकाइमा एंड पेरेन्काइमा के डिफरेंसेस.